ब्यूटीफुल कंट्री लग रही है, अब नामुमकिन है। देख रहे हो ब्यूटीफुल लग रहा है। तुमसे बाहर निकला तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द जॉर्जिया। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कंट्री लग रही है अभी तो। अभी बाहर गया नहीं हूँ मैं। रात को एयरपोर्ट पे भी सीन हो गए थे बहुत। पहले तो ड्यूटी फ्री है नहीं यहाँ पे, ड्यूटी फ्री की एक भी शॉप नहीं है, और अगर होती भी तो रात को ओपन नहीं थी। लेकिन इमिग्रेशन होने में कम से कम 1 घंटा हो गया। दूसरा, लोग को लैंग्वेज बैरियर बहुत है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ की, इसके बगैर बाहर जाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये जो रूम है, यहाँ से बालकनी दी गई, जो खोलते ही आप में से कुछ लोग या तो नर्क में जा सकते हो या मेरे जैसे लोग हेवन। ये देख रहे हो तुम लोग, फाइनली आई एम रेडी, डन। बाकी ये रूम की हालत अगर आपको दिख जाए तो पूरा मैस करके रखा हुआ है मैंने। ये अपनी पुरानी आदत है। बाहर का व्यू, अभी तक तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी नीचे जाने के बाद पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। अभी 2-3 जगह के नाम लिए मैंने, ढूंढे कहाँ कहाँ पे मैं जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या है घूमने के लिए और कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, चेक करते हैं। लोकल दोस्त है, वो आ रहा है मिलने के लिए, तो वेट कर रहा हूँ उसकी। अभी जस्ट मेरे को कहीं पे सनलाइट दिखा है, ये खाली थोड़ा सा, इतना सा ही सनलाइट है बस, बाकी कहीं पे भी सनलाइट नजर नहीं आ रहा है, बस ऊपर ऊपर दिख रहा है थोड़ा बहुत। मार्केट इतना अच्छा है ना इधर का, लोग मतलब एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है इसका, सब लोग देखने में ब्यूटीफुल लग रहे हैं और एक जैसे लग रहे हैं, सिमिलर सेम। तो सब लोग ने जैकेट पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, कुछ पता नहीं लग रहा है। क्या मिला देखो, इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज सब है, ऑलमोस्ट सब दुबई के जैसे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ना प्राइस में चेंज है, ना इधर के मनी एक्सचेंज में कुछ फर्क है। अप्रोक्सीमेटली आपको $100 के 300 समथिंग मिल जाएंगे जेल। रेस्टोरेंट मेन्यू प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है दुबई की टाइप, वही दिराम का जो भी दिराम में रहता है जो भी, वही सेम है। AED जैसे यहाँ पे जेल है, वही प्राइसिंग भी वही सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। वह रेस्टोरेंट के अंदर बैठते ना, कहीं पे भी होटल के अंदर आते ना, तो ऐसा लग रहा है क्या सुकून मिलता है, और बाहर जैसे निकल गए ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ था बाकू में। बाकू में मैं गया था, पहले मैं आर्मेनिया गया था। आर्मेनिया में ये था कि टेम्परेचर था 1-2 डिग्री, लेकिन इतना ठंडी नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं चल रही थी तेज, तो वहाँ पे इतना मेरे को जैकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी इतना ज़्यादा, क्योंकि ये हुडीज वगैरह में काम निकल गया। फिर उसके थोड़े टाइम बाद मैं अजरबैजान गया था बाकू। बाकू में सीन ये था कि ठंडी उतनी थी, लेकिन वहाँ पे हवा बहुत तेज थी, तो मतलब बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा था। खड़े खड़े मेरे को वहाँ पे जैकेट लाना पड़ा, मैं और दोस्त सब लोग ऐसे ही गए थे, सबको जैकेट लेना पड़ा वहाँ से। मतलब वो टाइम पे मैं कम से कम 100 किलो का था जब मैं बाकू गया था, तो वो इतनी तेज़ हवा थी, खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रहा था वो टाइम पे।
इतनी ठंडी थी वहां पे, इतनी हवा चल रही थी। यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है, अभी इतना तेज हवा तो नहीं चल रही लेकिन ठंडी बहुत है, बाहर इतना दिखा नहीं रही, इतना ठंडी शोर नहीं कर रही है वेदर फोरकास्ट पे, बट फिर भी ठंडी है बहुत बाहर। सो फार सो गुड, कंट्री सो ब्यूटीफुल, पट्टे लग रहे हैं जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। इधर अभी 8 डिग्री है, पता नहीं कितनी और नीचे जाएगी। अभी सब पैक कर दिया मैंने अपना, हाँ निकला था तब इतनी ठंडी नहीं थी, अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो और इज्जत से बहुत ठंडी है, इज्जत से। तो अभी जस्ट एक दोस्त का कॉल है इंडिया से, वो अभी पहुंच रहा है इधर 2-5 मिनट में, तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं, जस्ट मेरे होटल के सामने ही खड़ा हूँ। आगे देखते हैं फिर, आज 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 ऐसा कुछ खास घूमने का सीन नहीं लग रहा है मेरे को, फिर भी लेट्स सी कहाँ कहाँ पे हम घूम सकते हैं, तो जाना है कहीं पे तो अभी आया तो घूमेंगे तो सही, फिर कल से हम लोग का ट्रिप चालू होगा। तो ये हमारे जयपाल भाई है, जॉर्जिया के लोकल गाइड, टूरिस्ट, दोस्त सब। ये मेरे को दुबई में मिले थे आज से 2-2.5 साल पहले, हम लोग ने पार्टी वगैरह सब वहाँ पे किया था, तो आज मेरे को यहाँ पे आए। कहाँ कहाँ पे घुमाओगे आज? आज हम जॉर्जिया का जो मेन जो कैपिटल है तबिलिसी, यहाँ उसको सारा एक्सप्लोर कर देंगे। अभी फिलहाल हम है होली ट्राइनिटी चर्च, जो आप पीछे देख सकते हो, तो ये यहाँ का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च है अपन पूरे यूरोप में देखे तो। उसके बाद हम भी यहाँ जाएंगे ओल्ड तिबलिसी, जो सिटी एक्सप्लोर करेंगे, जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है, फिर मदर ऑफ जॉर्जिया है, फिर तास्मिंदा पार्क है। तो आज हमारा ऐसा प्लान है कि आज हम तिबलिसी का जो जो मेन मेन एरिया है वो आज कवर कर ले, और फिर कल से हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे जॉर्जिया की, और होपफुली सारा जॉर्जिया कवर कर लेंगे। अभी रोड ट्रिप कैसी होगी हमारी? रोड ट्रिप बहुत शानदार होगी, अभी आप बताएगा सारा ब्लॉग के एंड में कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी रोड ट्रिप बहुत बढ़िया रहेगी, आप सब भी इंजॉय करेंगे, आप सबको भी दिखाएंगे कि क्या व्यू है, जो मेन जो नज़ारे यहाँ के, जो माउंटेन है, जो कॉकेशस माउंटेन है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो सब आपको दिखाएंगे और बहुत मजा आएगा आप सब लोगों को। थैंक यू जयपाल भाई। अभी जैसे मैंने पहले बोला था कि मेरी फट्टे लग गई थी आने के बाद, एयरपोर्ट का सीन देख के, ये सीन देख के कि क्या होगा क्या नहीं। अभी जैसे जयपाल भाई को मिला हूँ एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी घर का कोई दोस्त भाई मिल गया हो, वैसे ही सीन लग रहा है। तो देखते हैं अभी मैं ये व्यू आपको दिखाता हूँ थोड़ा इधर का, और अंदर अंदर जाके चर्च का क्या सीन है, क्या है अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। ये आ गए हम बीच बीच पे, तो यहाँ का सबसे जो अच्छी चीज है वो ये लाइटिंग इधर की चल रही है, जो ये है ओल्ड टिबलिसी, राइट। ये ओल्ड टिबलिसी में आप जो कोई भी आ रहे हो टिबलिसी, यहाँ पे श्योर विजिट करना, और डिटेल इसके बारे में जो भी हो जयपाल भाई आपको बताएंगे क्या इसके बारे में डिटेल। फिलहाल अभी हम है पीस बीच पे, तो अगर आप तिबलिसी नाइट सीइंग कर रहे हो तो आप ये प्लेस जरूर आए, इस जगह पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हो चुकी है ना ओल्ड तिबलिसी के अंदर है, तो ओल्ड तिबलिसी में काफी सारे एरिया जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसमें आप पीस ब्रिज भी है, फिर अभी हम जा रहे हैं नारीकला फोर्ट्रेस, वो भी आपको दिखाते हैं। नारीकला जाने के लिए यही इजी रास्ता है कि आप रोप वे से जाओ, बाकी और भी रास्ता है लेकिन बहुत थकाने वाला है, तो अभी हम लोग रोप वे से नारीकला जा रहे हैं, और आपको आगे का व्यू वहीं से दिखाऊंगा मैं। ये व्यू है नारीकला से, पूरा सिटी दिख रहा है, और अभी हम जहाँ पे खड़े मदर ऑफ जॉर्जिया है वहाँ पे ये लिखा हुआ है, थ्रो अ कॉइन एंड मेक अ विश, अगर आप यहाँ से कॉइन डालते हो तो आपका
विश विल बिकम ट्रू, ये यहाँ के लोग मानते हैं ऐसा।